ये आया ना कि मतलब जो प्रोडक्शन हाउस के जो फेमस डायरेक्टर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपको ये रोल चाहिए तो द आपको ये लेस करना वी टॉक पड़ेगा। अबाउट द प्रोडक्शन हाउस इज बेटर एक्चुअली द लेस अबाउट द प्रोडक्शन हाउस इज एक्चुअली बेटर दैट वी शुड नॉट डिस्कस हियर। नहीं हम किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं बट फिर भी क्योंकि बॉयकॉट करण जौहर इस टाइम सबसे ज्यादा हो रहा है बॉलीवुड में तो पता है वो चीजें घूम फिर के आएंगी। अच्छा यू मीन टू से वी शुड नॉट डिस्कस दीस थिंग्स अबाउट Sharma and I'm doing MBA right now and I'm studying and modeling is my part-time thing. So it means ki modeling jo hai as a career hum full-time bhi le sakte hain aur part-time bhi le sakte hain. Yeah, it's totally depend upon person. Like it's vary from person to person only. Hi guys, my name is Elena. I am a runway model, ramwalk trainer and a fashion choreographer. Also, I am into reality shows. Apart from that, I'm a government certified yoga instructor. तो हम मतलब वैसे आप लोग जो है मतलब monthly कितना जैसे मतलब earn कर लेते हैं modeling से? Look, it completely depends. क्योंकि अभी market का भी जो वो है मार्केट का भी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अप एंड डाउन होता रहता है तो इट्स नॉट स्टेबल राइट इट्स नॉट स्टेबल तो वो चीज अप एंड डाउन होती रहती है तो देयर इज नो फिक्स्ड इनकम तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहो। और इसके अलावा मतलब मॉडलिंग क्या सेफ प्रोफेशन है गर्ल्स के लिए? सेफ इन द सेंस कि आजकल हम जैसे सुनते हैं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल वर्क प्लेसेस में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जैसे नॉर्मल जो एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते हैं जब वो जॉब पे जाते हैं तो होता है। लड़कियों के लिए मतलब एनवायरनमेंट कहीं सेफ नहीं होता वो उन्हें खुद सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए। ओके सो यू हैव टू लुक इनटू थिंग्स एंड यू हैव टू लुक आउट फॉर द प्लेस मतलब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है क्या सिनेरियो है तुम्हारे सामने लाइफ का और अपनी सेफ्टी खुद के हाथों में है। Nobody is safe. Not just girls. Nobody is safe in this industry. Not even in India. Crime rate exactly. Crime rate is increasing day by day. And you know, हमारी safety हमारे खुद के हाथों में. I completely agree with you. But it's not just girls. Nobody is safe. चाहे वो कहीं भी रहता हो इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता हो. Nobody is safe. Even not in India. Outside the world as well. क्योंकि यहाँ पे करप्शन इतना यू नो ग्रोथ रेट इतना सब कुछ बढ़ता जा रहा है कि उसकी वजह से कि मारामारी बहुत बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी इज द यू नो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इट। और हम जैसे कि अक्सर सुनते हैं कि जो मतलब एस्पायरिंग मॉडल्स होते हैं बडिंग एक्टर्स होते हैं वो उनको फेस करना पड़ता है इंडस्ट्री में एक टर्म है कास्टिंग काउच कि कास्टिंग काउच मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स तो कभी आपको भी ये थी कोई चीज़ फेस करनी पड़ी है और हाउ यू कन्फ्रंटेड इट कि मतलब हाउ यू टैकल्ड दैट सिचुएशन इफ इट एवर हैपेंड विद यू यू वांट टू गिव आंसर आई एम थिंकिंग अबाउट दैट आई थिंक ब्यूटीफुल गर्ल्स and they always have to face such no it's a wrong perception of the people only that they think ki the casting director the casting couch force them but it's not at all you know right perception it's completely a myth ki aapko force kiya jata hai it's not at all the you know correct statement kyunki aapko koi force nahi kar sakta not even in Delhi not even in Bombay anywhere nobody can force you एंड वो भी आपको सिर्फ पूछते हैं इफ यू वांट टू डू दैट और नॉट और कास्टिंग नो आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच बट इफ यू आर आस्किंग समबडी कंसेंट के साथ आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग पर ये होता है नहीं बट कंसेंट इज डिफरेंट बट मतलब काम लेने के लिए लाइक गर्ल्स हैव टू स्लीप विद समवन दिस इज नॉट राइट आई थिंक आई गेस आजकल लोग अपनी मर्जी से सोते हैं सबकी अपनी अपनी पर्सनल नीड्स है और कास्टिंग काउच में अगर आप किसी के साथ अगर आप सो भी रहे हो इफ यू आर स्लीपिंग विद समबडी इट्स नॉट गारंटेड कि आपको काम मिलेगा हां दैट इज डिफरेंट बट इवन इफ यू आर आस्किंग समवन टू स्लीप विद देमसेल्फ हिमसेल्फ
for to get work, I think this is wrong. मतलब काम के लिए अपने किसी को पूछना भी I don't think it's right. depend करता है. पूछना यार, हम किसी से कुछ भी फालतू बकवास कर देते हैं, हम किसी से कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें पूछ लेते हैं फ्रेंड्स में या किसी भी चीज़ में. तो प्रोफेशनली जब ये चीज़ आती है तो वाई नॉट. अगर कोई सामने वाला बंदा अपनी कुछ यू नो एक डिज़ायर बता रहा है, लाइक इफ़ यू आर ब्यूटीफुल कैन आई स्लीप विद यू, अब वो स्लीप विद यू को एक गलत नाम दे दिया गया, दैट इज़ अ कास्टिंग काउच थिंग. ओके, तो काफ़ी फेमस प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं वो भी तो रोल ऑफर करने के अगेंस्ट मांगते हैं ना कुछ. तो कहते यार मांगते हैं, सबके अपने अपने हाथों में होता है कि वो मांगते हैं क्या नहीं मांगते हैं, सबके अपने हाथों में है. कोई आपको फोर्स नहीं करता. किसी का मन है, देखो आपको दो रोल्स है, एक पैरेलल लीड है और एक लीड रोल है. अगर आपको कुछ यू नो लीड के लिए आपको बोला जाता है कि ओ यू हैव टू स्लीप विद समबडी और ओ यू हैव टू स्लीप विद समबडी, पैरेलल लीड को कुछ करना नहीं पड़ा बिकॉज यू, क्योंकि वो तो सेकेंड लीड है. बट द थिंग इज कि आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं लाइफ में. हाँ, तो मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि एलिना का मतलब ये है कि कास्टिंग काउच इज देयर बट इट इज नॉट फोर्स्ड, इट इज ऑलवेज अ सजेशन, अ हिंट, और इट्स अप टू यू वेदर यू गो फॉर इट और नॉट. व्हाट आर योर गोल्स? इट्स ऑलवेज अ चॉइस, बट अकॉर्डिंग टू मी पूछना भी इज अ रॉन्ग थिंग. काफी न्यूज में ये आया है ना कि मतलब जो प्रोडक्शन हाउस के जो फेमस डायरेक्टर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपको ये रोल चाहिए तो आप, द लेस वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन हाउस इज बेटर एक्चुअली. The lesser about the production house is actually better, that we should not discuss here. Okay, I didn't get. जितना कम बात करोगे production houses के बारे में यहाँ पर, it's better. ऐसा क्यों? कोई भी objection उठा सकता है. नहीं, हम किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं. But फिर भी, क्योंकि boycott Karan Johar इस time सबसे ज़्यादा हो रहा है Bollywood में, तो पता है वो चीज़ें घूम फिर के आएंगी. अच्छा, you mean to say we should not discuss these things about Karan Johar? तो क्या है basically Raj Kundra. Raj Kundra sir main important हो गया. वो जो pornography में पकड़ा गया है, pornography में पकड़ा गया है Raj Kundra. वो तो पिछले साल, दो साल पहले की बात. नहीं, अभी तो पकड़ा गया इसी साल. अच्छा 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 अच्छा, चलो let not discuss about that. तो फिर इसका मतलब कि ये करियर एक सेफ ऑप्शन है. Fashion and modeling and acting. Nothing is safe here. I'll say. Same, वही मैंने बोला. Safe environment खुद के लिए create करना पड़ता है लड़कियों को. Safe घर में भी नहीं है, घर के बाहर भी नहीं है, road पे नहीं है, mall में नहीं है, कहीं भी नहीं है safe. And create environment की तो बात नहीं है. People, कभी भी कुछ भी हो सकता है. We should give people, you know, seminars देने चाहिए. यू नो काउंसलिंग करनी चाहिए, हाउ टू ट्रीट पीपल. पहले तो हम इन्वायरमेंट भी क्रिएट करके क्या करेंगे जब लोगों में समझ ही नहीं होगी. सही बात. तो सबसे पहले एजुकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सही बात है, एग्जैक्टली. तो हाँ, पैसे से एजुकेशन नहीं आती है. दोज़ हु आर रिच डजंट मीन कि दे आर आल्सो एजुकेटेड एंड दे आर सिविलाइज्ड काइंड ऑफ पीपल. राइट, दे मे बी वर्स्ट अमंग देम. आई मीन बैड हैबिट्स एंड बैड मैनर्स, वेरी नो सोशल एटिकेट्स एंड एथिक्स. सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन विद बोथ ऑफ यू. या कि लाइक मतलब मैंने सुना है कि मॉडलिंग एज अ करियर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मतलब 25 से 30 साल के बाद जैसे थोड़ा एजिंग हो जाती है तो लड़कियों का ग्राफ ऊपर नहीं पहुंच पाता, मॉडलिंग करियर ग्राफ. right. तो एक्टिंग मतलब इस आई थिंक अ लॉन्ग लास्टिंग. अब जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो 40 या 50 साल की भी हो गई हैं फिर भी उनको काम मिलता है. तो फिर मॉडलिंग के बाद एज अ करियर हमें एक्टिंग चूज करना चाहिए या फिर शुरुआत से एक्टिंग हमें चूज करनी चाहिए? ओके, सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. एज सच को ज़रूरी नहीं है कि हमें मॉडलिंग टू एक्टिंग ही जाना है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली डिड दिस थिंग कि वो मॉडलिंग से एक्टिंग में ही गए हैं. जिनको स्टार्टिंग से, जिनका फोटे सेट है कि मुझे एक्टिंग में जाना है, तो वो बचपन से एक्टिंग करते हुए आ रहे हैं. वो थिएटर करते हैं, वो वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जस्ट टू यू नो पुश देमसेल्व्स इन द एक्टिंग फील्ड. तो मतलब कि ऐसे टाइम नहीं वेस्ट होता, क्योंकि मॉडलिंग का जो करियर है वो आपको हेल्प भी कर देता है. मॉडलिंग का करियर बिल्कुल हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. ग्रूमिंग जिसको हम बोलते हैं वो आपको मॉडलिंग देता है. आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मॉडलिंग से सीखने को मिलती है. Okay. और ये जितने भी जैसे आपने बोला जी, जैसे कि ग्राफ डाउन चला जाता है लड़कियों का, बिल्कुल जाता है, नो डाउट, क्योंकि उनकी एज ढलती जाती है. और जो लड़कों की 30 के बाद अप होती है. और वो भी क्यों होती है? क्योंकि ये तो बिल्कुल एक यू नो एक नेचुरल फैक्टर है कि ऐसा होता है. बट नाउडेज में जैसे कि 60 साल के हीरो हैं और उनके साथ जो हीरोइनें होती हैं 20 या 25 साल की होती हैं,
और बेसिकली टेलीविज़न में हम देखते हैं कि 20 या 25 साल की औरत को 50 साल का दिखा दिया जाता है तो एकदम अपोजिट चलता है, और 30 साल के आदमियों को टेलीविज़न पे 50 साल का दिखा देते हैं, पर बॉलीवुड में 50 से 60 या 70 साल का होने पर भी उसको 20 या 25 साल का प्लास्टिक सर्जरीज आर द मेन रीज़न एक्चुअली, लाइक आई शुड नॉट गो देयर, बट प्लास्टिक सर्जरीज लाइक आजकल तो VFX से भी यंग दिखाया जाता है, एंड प्लाज्मा सर्जरीज, दीस थिंग्स, दीस सर्जरीज आर लाइक मतलब डे टू डे थिंग फॉर देम genuinely, हाँ, day to day. It's like a facial for them. Yeah, Katrina Kaif did like she actually spent plasma surgery, 1 lakh rupees on just on her lips, like हाँ, and 2 lakh rupees just for you know upliftment of her cheeks. One time and or every time? No, no, this is for one setting only, I think, na? Yeah, one setting. एक setting के 2 lakh rupees. वो तो लाख करोड़ रुपये कमा रहे हैं तो. दैट इज फाइन, बट वो एक जो नेचुरल ब्यूटी वाली चीज है ना, वो अब आजकल कोई एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही है, बिकॉज पीपल आर लाइक विद फिल्टर्स, विद सर्जरीज, विद यू नो डर्मेटोलॉजिस्ट, विद द डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इतनी चीजें नई नई आती जा रही है ना. एग्जैक्टली, एंटी एजिंग कोई नहीं चाहता आजकल, नो बडी वॉन्ट्स टू लुक ओल्ड ऑन द कैमरा. लोगों के लिए है ब्रेड बटर, बट आधे लोग मतलब यू नो पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इवन इफ यू आर डूइंग एक्टिंग, अगर आप मतलब अभी सिर्फ बडिंग एक्टर हो, तो आपको करना चाहिए साइड बाई साइड कुछ भी, यू शुड नॉट बी डिपेंडेड ऑन जस्ट वन फील्ड. तो एक्टिंग के लिए मतलब बॉम्बे ही जाना जरूरी है कि दिल्ली रहते रहते भी आपको काम मिल जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है. नो, बंदा टैलेंट जो अपना कहीं भी फ्लॉन्ट कर सकता है, उसके लिए ये नहीं कि वो बॉम्बे जाए. हाँ, at some point you have to move to Bombay because you have more opportunities there, but agar like tum base level pe ho to you should start from your home only. Matlab tum talent to kahin bhi social media pe show kar sakte ho, kind of TikToks, reels and Snapchat, these things are here. Actually acting aur TikTok ko na logon ne ek bana diya hai, ab kuch na bacha nahi hai. Aur acting aapko actually karni hai to aapko Bombay jana chahiye, kyunki Bombay is a hub. दिल्ली इज नॉट अ हब. आजकल तो कह रहे हैं कि बॉम्बे बॉयकॉट हो रहा है बहुत जगह, बॉम्बे, क्योंकि जो बॉम्बे बॉयकॉट भी, यू नो द रीजन क्यों बॉम्बे बॉयकॉट हो रहा है, बिकॉज ऑफ लाइक बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज नेपोटिज्म, राइट? या नेपोटिज्म द करेक्ट वर्ड, राइट? दे डोंट लेट आउटसाइडर्स टू कम इनसाइड द इंडस्ट्री. हां, वो कहीं ना कहीं मतलब सही भी है कि बॉयकॉट करना भी चाहिए टू यू नो ग्रो एंड डू बेटर, बट दे हैव यू नो जीरो knowledge of acting, zero knowledge of acting. Looks bhi itne better nahi hai. I don't but feel like. Contacts ki wajah se aage badhte hain. Contacts, reference, but I think stockets. India mein jo talent hai, वो उसको कोई दबा नहीं सकता. वो आज नहीं तो कल, जैसे कि हम देखते हैं कि कार्तिक आर्यन और ऐसे बहुत सारे एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत ही हम ले लें और कृति सेनन, बहुत सारे जो आउटसाइडर्स हैं उन्होंने अपना नाम बना लिया और आगे भी बनाते रहेंगे और इन सब स्टार किड्स को अपनी औकात दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल. सो द थिंग इज दैट जो एलिना और कोमल, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिस्कशन, एंड आई थिंक कि जो बडिंग एक्टर्स और मॉडल्स हैं उनको यहाँ से हमें ये थोड़ा सा समझने को मिलता है दैट वी कैन चूज एक्टिंग एंड मॉडलिंग एज अ करियर, बट नथिंग इज फोर्स्ड अपॉन अस, सो वी कैन मेक आवर ओन चॉइसेस. Right. We can leave it or take it. Thanks both of you. Thank you. Thanks for having me. Wish you. Thanks for having us. Yeah. Wish you that your career may grow and you. Thank you. May reach. Thank you so much. Right. Wish you the Thank same. You. Thank you.